बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने उत्तर प्रदेश के सभी जिलाधिकारी को स्कूलों की फीस कम करने और ऑनलाइन पढ़ाई न रोकने के आदेश जारी किए हैं। वहीं जनपद रामपुर में फीस माफी को शिक्षा विभाग ने स्कूलों पर कसी नकेल है। वहीं लखनऊ से आदेश आने के बाद जिलाधिकारी अनंजनी कुमार सिंह ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला विद्यालय निरीक्षक को तत्काल कार्यवाही के आदेश दिए हैं, जिस पर अमल करते हुए जिला विद्यालय निरीक्षक ने जनपद के सभी स्कूलों को पत्र लिखकर सख्त चेतावनी दी है। फीस जमा न होने पर बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई रोकी तो अभिभावक की शिकायत पर स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। वहीं कोविड 19 महामारी के चलते सभी स्कूल सुविधा अनुसार खुद अपनी फीस कम कर दें, वरना कार्यवाही के लिए तैयार हो जाएं। उत्तर प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग के आदेश आने के बाद स्कूल प्रबंधकों में हड़कंप मच गया है। होम आइसोलेशन मरीजों के लिए डिजिटल थर्मामीटर, पल्स एक्सीमीटर, मास्क, सैनिटाइजर की किट उपलब्ध कराएं। वहीं जनपद रामपुर के जिलाधिकारी अनंजनी कुमार सिंह ने कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक में स्वास्थ्य विभाग द्वारा कराई जा रही कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, सैंपलिंग व उपचार सहित विभिन्न कार्यों के बारे में विस्तार पूर्वक समीक्षा की। वहीं उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुबोध कुमार शर्मा को निर्देश दिए कि वे L1 हॉस्पिटलों में शासन द्वारा जारी निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराएं। इसके साथ ही होम आइसोलेशन में रहने वाले कोरोना संक्रमित मरीजों द्वारा स्वयं अपने स्वास्थ्य परीक्षण के लिए डिजिटल थर्मामीटर, पल्स एक्सीमीटर, मास्क, सैनिटाइजर सहित अन्य जरूरी उपकरणों की किट उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए। DM के संज्ञान लेने पर मिला फौजी को बिजली का कनेक्शन। वही जनपद रामपुर में बिजली का कनेक्शन लेने के लिए एक फौजी को काफ़ी मशक्क़त उठानी पड़ी, उसके बाद भी कनेक्शन नहीं दिया गया, जिस पर उन्हें सोशल मीडिया पर जिलाधिकारी अनंजनी कुमार सिंह से गुहार लगानी पड़ी, जिसके बाद जिलाधिकारी के संज्ञान लेने पर 3 दिनों के अंदर फौजी के घर लाइट पहुँच गई। इस पर उन्होंने जिलाधिकारी से मिलकर आभार व्यक्त किया। वहीं मिलक के दिनेश शर्मा जम्मू कश्मीर में फौज में सेवा दे रहे हैं। उनके अनुसार उनका घर मिलक में है। बिजली का कनेक्शन लेने के लिए उन्होंने काफ़ी प्रयास किए थे, लेकिन कनेक्शन नहीं मिल पाया। इस बीच उन्हें जिलाधिकारी अनंजनी कुमार सिंह द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से शिकायतों को चिन्हित करने तथा उन्हें निस्तारित कराने के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। इस पर उन्हें व्हाट्सएप के माध्यम से प्रार्थना पत्र भेजा था। DM ने उस पर तुरंत संज्ञान लेते हुए विभाग को निर्देश जारी किए कि इस पर अधिकारियों ने उनके घर में बिजली की आपूर्ति पहुंचाने के लिए आवश्यक कार्यवाही शुरू कर दी। वहीं 3 दिनों के अंदर ही उनका घर बिजली की रोशनी से जगमगा उठा। इस पर श्री शर्मा ने जिलाधिकारी से मिलकर परिवार की ओर से उनका आभार व्यक्त किया। जिलाधिकारी ने कहा कि ऐसे सभी मामलों को चिन्हित कराने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे, ताकि शासन की मंशा के अनुरूप प्रत्येक परिवार के लिए बिजली आपूर्ति संभव हो सके। पुलिस ने बंदी में बेवजह घूमने वालों को लौटाया घर वापस, कार्यवाही की दी चेतावनी। वहीं जनपद रामपुर में कोरोना से बचाव को लेकर घोषित साप्ताहिक बंदी के अंतर्गत रविवार को भी सड़कों और बाजार सब सूने नजर आए। शासन की गाइडलाइंस का पालन करने को चप्पे चप्पे पर पुलिस की निगरानी रही। जरूरतमंदों को आवागमन में कोई दिक्कत नहीं हुई। वही सिर्फ नज़ारा देखने के लिए सड़कों पर निकलने वाले लोगों को पुलिस ने पूछताछ कर घर जाने की हिदायत दी। अफसर भी अपने मतहतों के दायित्व निर्वाहन को लेकर काफ़ी संजीदा दिखे। जनपद में कोरोना तेज़ी से पांव पसारने लगा है, लगातार नए मामले सामने आ रहे हैं। कई लोगों की इसकी चपेट में आने से मृत्यु भी हो चुकी है। वहीं संक्रमित मरीजों की तादाद बढ़ने से प्रशासन ने सतर्कता बढ़ा दी है। वहीं लोगों को बराबर समझाया जा रहा है कि यदि आवश्यक ना हो तो घर से बाहर बिल्कुल ना निकलें। रविवार को मेडिकल स्टोर्स को छोड़कर हर प्रतिष्ठान बंद रहा। पुलिस के जवान ड्यूटी स्थल पर मुस्तैदी से दिखाई दिए। किशोरियों का जीवन स्तर सुधारने को कवायद शुरू कर दी गई है। वहीं जनपद रामपुर में 11 से 14 वर्ष तक की स्कूल ना जाने वाली किशोरी बालिकाओं के जीवन स्तर को सुधारने के उद्देश्य से पुनर्गठित योजना एंडोलेस सेंट गर्ल्स लागू की गई है। इस योजना का क्रियान्वयन स्वास्थ्य विभाग, ICDS, पंचायती राज शिक्षा विभाग एवं ग्रामीण विकास विभाग के समन्वय से किया जा रहा है। योजना का मुख्य उद्देश्य किशोरी बालिकाओं को शिक्षित और सशक्त बनाना है, जिससे बालिकाएं आत्मनिर्भर व जागरूक बन सके। वहीं जिलाधिकारी अनंजनी कुमार सिंह ने इसके क्रियान्वयन के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में 12 सदस्यों की
ब्लॉक स्तरीय समितियों का गठन किया गया है। समिति द्वारा उनके शिक्षण की गुणवत्ता की नियमित मॉनिटरिंग की जाएगी। जिला कार्यक्रम अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि किशोरियों को प्रशिक्षण प्रदान करने की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है। इस दौरान संक्रमण के दृष्टिगत जरूरी सावधानियों का ध्यान रखा जा रहा है।